तीसरी बार देखी, तीसरी बार। क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया? SRK का सीन एक नंबर। अच्छा, उंगली का पावर समझा क्या? सब समझा भाई, बहुत मस्त फिल्म है, सुपर डुपर। क्या समझने मिला? अरे सबसे अच्छा अच्छा मैसेज है इसमें, सिर्फ आम आदमी के लिए, किसान के लिए। इससे अच्छा फिल्म में लाइव में कभी नहीं देखा ना, शायद आगे भी देख सके। इतना अच्छा है। उंगली के पावर के बारे में बात की गई है। अरे सबसे अच्छा है देश के लिए, देश को गढ़ने के लिए जो उंगली का पावर शाहरुख खान ने मैसेज दिया आम आदमी के लिए, शायद इससे अच्छा मैसेज और हो ही नहीं सकता है। क्या बात है? ना इससे पहले इतना अच्छा मूवी बना, ना आगे बनेगा। क्या बात है? अच्छा, बहुत अच्छी थी, एक नंबर। एक्शन वगैरह फिल्म का कैसा? बहुत बहुत बेस्ट थी। अच्छा, उंगली का पावर बताया गया, कैसा लगा? उंगली बहुत अच्छा लगा, लोगों को सीखने कुछ मिला है, कुछ एक न्यूज मिला, एक न्यूज दिया हुआ है, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। वो एक्चुअली सब लोग करना मांगता है ये सब चीज, ये बेस्ट है एक्चुअली। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी पिक्चर है, एक नंबर, फुल पैसा वसूल। फुल पैसा वसूल, एकदम पैसा वसूल। शाहरुख खान कैसे लग रहा है? शाहरुख खान क्या, वो पिक्चर ही वैसी रिलीज की है, मतलब पूरा गवर्नमेंट का जो कुछ भी है एकदम चिट्टा वट्टा सब सामने आ गया। कैसी लगी फिल्म? बहुत 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 बढ़िया रही पिक्चर भाई, मेरे एकदम बढ़िया रही पिक्चर। राजनीति के ऊपर ये मैसेज दिया है कि लोग सतर्क रहे, आगे चल गए। क्या बात है? उंगली का पावर समझ आया? जी जी जी। विक्रम राठौर का जो एक्शन है ना, एकदम हार्ड है, समझे? अपने देश के बारे में बताया, जागृत कर रहा है कि उंगली के बाद माने उंगली का वोट में देना है ना, इसके लिए सही देने का। एक्सीलेंट मूवी, गुड मैसेज एट द थिंग, इट्स गुड फॉर पीपल्स टू गेट अ गुड मैसेज फॉर एवरीबॉडी। मूवी इज वेरी गुड। एक्चुअली हु वाज द बेटर, आजाद विक्रम राठौर? विक्रम राठौर इज बेटर एंड ही हैज डन अ गुड एक्सीलेंट रोल। आई अप्रिशिएट विद हिम। बहुत अच्छी लग रही है। एकदम चिल्ला के एकदम हल्ले कर रहे थे, मस्त कर रहे थे इसके। मैं दोबारा इसीलिए देखने आ गया। मेरा ये फोर्थ टाइम था, मैं ये फोर्थ टाइम देख रहा हूँ। मैं गोरेगांव में रहता हूँ एंड मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मैं मुझे बहुत ही सही लगी थी। मैं PVR में देखता था यार, बट वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी मतलब फीकी फीकी सी लगती थी। ये मैं आज गैलेक्सी में आया था सिर्फ ये ऑडियंस का फील लेने ना, विसल तालियां। मैं भी वो ऊपर नाच रहा था, गाने में लोग नाच रहे, ये नाच रहे एंड जवान इज जवान, मतलब शाहरुख खान इज शाहरुख खान, ही इज दी बादशाह, ही इज एवरीथिंग। फिल्म में क्या से एलिमेंट है जो बार बार देखने के मजबूर करे अभी आप? अरे बार बार मासी शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, दी BGM, दी एवरीथिंग, शाहरुख खान का स्क्रीन प्रेजेंस, शाहरुख खान के डायलॉग्स, एवरीथिंग। मतलब जो फिल्म बनाया है अटली ने, जो पहला है वो मतलब खत्म है। और फिल्म में इमोशंस बताया, ड्रामा बताया। अरे इमोशन मेरे एक आंख से अभी भी कंटिन्यूअसली, फोर्थ टाइम देख रहा हूँ बट फिर भी इतने इमोशनल है कि मतलब निकलते रहता है। दीपिका का जो भी है, वो बच्चे बच्चे का जो भी सीन दिखाते हैं एंड जो भी रियल इंसिडेंट्स है, सारे रियल इंसिडेंट्स है एंड दिखाना चाहिए ऐसा, मतलब एजुकेशनल है, मतलब ऐसा सब ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। जवान इज जवान। उंगली का पावर कितना समझ आया? उंगली है बस यही बताया कि सही जगह उंगली करना चाहिए वरना ऑडियंस के लिए इट्स अ वेरी एजुकेशनल फिल्म एंड पीपल मस्ट वॉच इट एंड दिस इज नॉट बिकॉज दैट आई एम अ शाहरुख खान फैन और एनीथिंग एल्स, बट या इट हैज अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन हु वोट्स एंड इट्स आवर राइट एंड वी शुड यूज इट वेरी कॉशियसली एंड बस बाकी तो इट्स 10 out of 5, 10 on 10, 100 on 10, 100 on 100। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उंगली का पावर हमें इधर उधर उंगली करने में नहीं, हमारे लिए और हमारे देश के लिए उंगली करनी चाहिए। इधर बढ़िया, इधर उधर उंगली करके कोई फायदा नहीं है, जैसा अभी हो रहा है हमें पहले जमाने की तरह। इधर शाहरुख खान का अवतार उसके बाप बेटे का अवतार एकदम धांसू था। अगर 1000 times देखने के बाद आजाद पसंद आया या विक्रम राठौड़ पसंद आया? दोनों पसंद आया, लेकिन अगर ऑप्शन अगर एक चाहिए तो राठौर, ऑप्शन अगर एक चाहिए तो राठौर। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे आपने एंजॉय किया, तालियां बजाए, सीटियां बजाए, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर? वो दीपिका के साथ रोमांस का, दीपिका के साथ रोमांस, उन दोनों की जोड़ी जो है काजल के बाद नेक्स्ट जोड़ी, इन दोनों की यही जोड़ी है जो बॉलीवुड की। सब के बारे में बात की है, जिम्मेदारी को लेकर बात की है, कितने अच्छे तरीके। ये सही तरीका है और सही बात बोला है। हालांकि देश में इस चीज को देखा गया, कोरोना का टाइम में भी देखा गया है और अभी भी इस चीज को देखा जा रहा है गोरखपुर में, मणिपुर में, सब चीज में। इसके पीछे सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमें उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बात है? अच्छा, ज्यादा ने 5 में से कितने गुण देना चाहेंगे? 5 में से 100। थैंक यू बहुत अच्छा। यहाँ पे एक छोटा सा, क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करने मिल रहा है, क्या सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है फिल्म? तीसरी बार देखने आई, तीसरी बार मैंने पहली बार PVR में देखी। यहाँ क्राउड देखी ना, यहाँ का क्राउड तो वो देखी। ऐसे फिल्म में क्या चीज है जो मतलब आपको बार बार आने पर आम आदमी की इशू बताई गई है, जैसे किसान के बारे में, किसान के बारे में,
बाकी सारी चीजें फिल्म में कैसी एक्शन वगैरह? एक्शन एक नंबर है, लोगों को पसंद आएगी। अरे एक्शन सीक्वेंस है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तालियां बजाई। वो कौन सा वाला सीन था? वो जेल वाला सीन था, लास्ट क्लाइमेक्स था जेल वाला सीन, और वो ट्रक लूटते वो वाला, और बाप का जो एंट्री होती ना जब, हाँ वो स्टार्टिंग में अच्छा था। या बेटा बाप 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 रिलेशन आपने महसूस किया? हाँ, बुंगली के वोट के बारे में बताया गया, कितना फैसिनेटिंग लगा? हाँ अरे बहुत अच्छा लगा, एक अवेयरनेस लेकर आया। क्या बात, थैंक यू थैंक यू।